आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13 में, इसी का है हेडिंग क्या है, क्षेत्रीयता का संकीर्ण अर्थ। अध्याय 13 में हेडिंग क्या है, संकीर्णता का अर्थ। समझ रहे बात को, क्षेत्रीयता का संकीर्ण अर्थ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हेडिंग है क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है। क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के क्या है, अधीन है, उसके अंदर में है। इसके विपरीत इस प्रकार की किसी भी क्रिया भावना या विचार को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। किसी भी विचार या भावना को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है जो राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए या राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। बात समझ रहे हैं, जो हमें राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है उसको इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई समझ रहे हैं, इसको हम सम्मिलित नहीं, मिला नहीं सकते हैं इसको, ठेठ भाषा में हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए। पर क्षेत्रीयता का यह विस्तृत रूप बहुत बहुत विकृत हो जाता है, बहुत विकराल हो जाता है और उसमें इस प्रकार के संकीर्ण मनोभाव पनप जाते हैं कि एक क्षेत्र के लोग केवल अपने क्षेत्र के स्वार्थ को सर्वोपरि मानते हुए उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। उस क्षेत्र के लोग स्वार्थ से परे होते हैं और अपने ही काम के प्रति रुचि रखते हैं और अपना ही भलाई के लिए सोचते हैं। इस संकीर्ण रूप में क्षेत्रीयता का अर्थ उन आदर्श व्यवहार विचार कार्यक्रमों से होता है जो एक क्षेत्र विशेष के लोगों के मन में मिथ्या गौरव और श्रेष्ठता की भावना को पनपाती है और उसी आधार पर वे अपने लिए समस्त राजनीतिक तथा आर्थिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इस भ्रांति तत्पर हो जाती है कि विस्तृत राष्ट्र की स्वार्थों तथा राष्ट्रीय एकता की आवश्यकताओं को भी वे भुला देती हैं। क्षेत्रीयता का यह रूप उस क्षेत्र के लोगों में एक भावना पर भर देता है कि उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, कल्चर, उसका इतिहास, हिस्ट्री तथा सामाजिक परंपरा भी श्रेष्ठ है। उस क्षेत्र की राष्ट्रीयता, क्षेत्रीयता, परंपरा, कल्चर क्या है, मायने रखता है। आप देखिए, पढ़ाई आगे बढ़ गया है, इसको समझना है आपको। पहले उस क्षेत्र के लोग कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, किस चीज के बारे में, कल्चर, संस्कृति, भाषा, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में सवाल उत्पन्न होता है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं ना कि वहाँ जा रहे हैं भाई, वहाँ के लैंग्वेज क्या है, लिटरेचर क्या है, वहाँ की रहन सहन क्या है, वहाँ की क्षेत्रीयता क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की भाषा क्या है, खान पान क्या है। कोई कहीं मैरिज के लिए जाता है, ठेठ भाषा में समझिएगा, पर ये सोचता है हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, हमको बेटी की शादी करना है। उस क्षेत्र के लोग कैसे हैं, वहां की वातावरण कैसा है, संस्कृति क्या है, वहां का कल्चर क्या है, बिहेव क्या है, रहन सहन क्या है, वहां की धर्म की परंपरा क्या है। हर एंगल से हम किसी चीज को देखते हैं, अपनाते हैं, तब उसको हम निचोड़ते हैं, उसको हम देखते हैं अंदर से कि वहां के लोग की परंपरा क्या है। और यह हमें बहुत साथ देती है, सीख देती है, शिक्षा प्रदान करती है। कुछ चीज को हमको जानने की अगर इच्छा होनी चाहिए हमको अंदर से किसी चीज के बारे में कि वहां के लोग, जैसे हम पढ़ा रहे क्षेत्रीयता, किसी क्षेत्र के बारे में, वहां के लोग के बारे में, रहन सहन के बारे में, मानवता के बारे में, बिहेव के बारे में हमको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी बात को मानते हैं क्या पढ़ा रहे हैं आज, वहां के लोग के बारे में, हमें उस क्षेत्र के बारे के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा, त्योहार, फेस्टिवल्स, हमें सभी के बारे में सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वहां की परंपरा क्या है। बात समझ रहे हैं। और अगर हम उस कल्चर को बिना समझ समझे
वो परंपरा को बिना समझे हुए क्षेत्र के लोगों से हम, आप एक चीज गौर कीजिए, कोई नया जगह में हम जा रहे हैं और वहां पहुंच गए और वहां के लोग से, उस क्षेत्र के लोग से हम, वहां की क्षेत्रीयता से हम अवगत नहीं है और आ गए कोई काम कर रहे हैं, तो तुरंत एक आम आम पब्लिक बोल देगा आपको कि हमारी इलाका है, हमारे क्षेत्र है, आप इंटरफेयर मत कीजिए इसमें। बताइए हम गलत बोल रहे, तो बोलिए आप हमको, बोलता है कि नहीं, हमारी क्षेत्र में आप आके गलत मत बोलिए, यहाँ की वातावरण अलग है, आप ये भी जानिए, इसमें ये भी पढ़ना है जनता में, अलग अलग क्षेत्र का वातावरण अलग तरह का होता है। आप नैनीताल चल जाइए, दार्जिलिंग चल जाइए, मंसूरी चल जाइए, नैनीताल चल जाइए, दिल्ली जाइए, महाराष्ट्र जाइए, बंगलोर जाइए, उज्जैन जाइए, जहाँ भी जाइए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक परंपरा, भौगोलिक स्थिति, वेशभूषा अलग अलग तरह की है। क्या है भाई? अलग अलग तरह की है, भिन्न भिन्न तरह की है। पढ़ाई समझ रहे हैं? अलग वातावरण मतलब भिन्न भिन्न तरह की वातावरण, अलग अलग दुनिया में हमें, अलग अलग राज्य में हमें देखने को मिलता है। आपको ये समझना होगा क्षेत्रीयता का मतलब क्या है। क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है? ये डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी क्या हैं? क्वेश्चन आएगा, कहा लिखिएगा, डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी एक समाजशास्त्री हैं। इसने लिखा है कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है, वो राष्ट्र के अधीन है, राष्ट्र नेशनलिज्म के अधीन है। जिस क्षेत्र में आप निवास करते हैं, सोचिए आप, जिस भौगोलिक क्षेत्र में आप निवास करते हैं, जैसे हम रांची में रहते हैं, यहाँ की वातावरण, भौगोलिक स्थिति, यहाँ की परंपरा, कल्चर, स्थिति क्या है, इससे अवगत है हम, किस क्षेत्र में कैसे बिहेव करना चाहिए, कहाँ की क्षेत्रीयता का वातावरण क्या है, अगल बगल में बुंडू, बेड़ो, मांडर, सिसई, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूटी, ये क्षेत्र की परंपरा, ये क्षेत्र की राष्ट्रीयता, इस क्षेत्र की क्षेत्रीयता वातावरण भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। क्योंकि आज हम पढ़ा रेडिंग में है क्षेत्रीयता का संकीर्ण अर्थ, संकीर्ण रास्ता है, संकीर्ण है, इसको हमको जानना है, इस संकीर्ण क्षेत्रीयता क्या है, आखिर मीनिंग क्या है। एक चीज गौर किए हैं, जिस क्षेत्र में अच्छे लोग रहते हैं वहां की वातावरण अच्छा होता है। आप गौर कीजिए, गलत जगह में रहिएगा तो वहां की माहौल गलत होती है, प्रभाव पड़ता है, ये बात गौर किए हैं ना आप? तो क्षेत्रीयता अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग होती है ना? उनको समस्याओं पर पहले ध्यान दिया जाए, उनकी भाषा को राष्ट्रीय आधार पर मान्यता प्राप्त हो तथा समस्त राष्ट्रीय विषयों के संबंध में उनके महत्व को अवश्य ही स्वीकार किया जाए। इन सब के लिए यदि उन्हें महत्व संपूर्ण राष्ट्र से अलग होना पड़े तो उसके लिए भी वे तैयार हैं। इस अर्थ में क्षेत्रीयता पृथकता की नीति को समर्थक भी बता सकती है। बात समझ रहे हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीयता के संकीर्ण अर्थ निम्न प्रकार हैं। बस आज इतना ही।